हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल, सिंगदाने और ड्राई फ्रूट्स की बर्फी। और उसके लिए हमें सामग्री चाहिए। मैंने सिंगदाने, अलसी और तिल को भून लिया है। अलसी को 2 मिनट तक ही भुने, तिल को 5 मिनट तक भुने और सिंगदानों को 7 से 10 मिनट तक धीमी आंच पे भुनना है। और इन सारी चीजों को भुनने के बाद रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना है। तिल, सिंगदाने और ड्राई फ्रूट्स को मिक्सचर में खुरदुरा ग्राइंड कर लेंगे। बर्फी बनाने के लिए धीमी आंच पे हम घी गरम होने रखेंगे। घी जब हल्का सा गरम हो जाए तब हम आंच को मीडियम करेंगे और उसमें गुड़ ऐड करेंगे। और इसे मेल्ट होने तक लगातार स्टर करते रहेंगे। गुड़ मेल्ट हो जाए तब हम आंच को धीमा करेंगे और उसमें एक एक करके सारी चीजें मिक्स करेंगे। ग्राइंड किए हुए तिल, सिंगदाने, खसखस, कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स और अलसी, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने सूंठ पाउडर या गंठोला पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है, जिससे ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे ट्रे में निकाल लेंगे सेट करने के लिए। मैंने ट्रे को घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम बर्फी को इसमें सेट करेंगे। दस मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसके पीस कर लेंगे। अब हम इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के बाद हम इसके पीस कर लेंगे और इसे आप 1.5 से 2 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।